हेलो दोस्तों, मैजिक किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज का कचौड़ी, जो कि बहुत टेस्टी होता है और आप किसी का चटनी के साथ खा सकते हैं, हरा चटनी, लाल चटनी या रायता के साथ। और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख बताइए कि मेरा रेसिपी कैसा लगा आपको। और हाँ, मेरा चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। से बनाना शुरू करते हैं। पहले आटा लगा लेंगे, उसके लिए हमको चाहिए इससे 2 कटोरी मैदा। दो चम्मच सूजी, दो से तीन चम्मच तेल इसमें डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, इसको क्रश करके डालेंगे। इसको मिला लेंगे। अच्छी तरह मिल गया है, इसको डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसको गूंद लेंगे। डो बन गया है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, ऐसा होना चाहिए। और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसको ढक कर रख देंगे। आइए अब फिलिंग बनाते हैं। कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और मीडियम कर देंगे फ्लेम। इसमें साबुत जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। जीरा चटक गया है, अब इसमें 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटे कटा हुआ डालोगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको भूनूंगी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, इसको मिला लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको थोड़ा भून लेंगे। 2 से 3 हरा मिर्च, अपना स्वाद के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सब्जी मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टॉपिंग भून गया है। देखिए ये मीडियम फ्लेम पर होगा, ज़्यादा बढ़ाइएगा मत, नहीं तो जल जाने से अच्छा नहीं लगेगा, मसाला और प्याज जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से धनिया डाल देंगे। स्टफिंग बन के तैयार हो गया है।
आइए बनाते हैं प्याज की कचौड़ी। इसको दूसरा बर्तन में रख निकाल देंगे और ठंडा होने देते हैं इसको। आइए देखते हैं आटा को। देखिए आटा मेरा अच्छे से फूल गया है। इसको अच्छा से मसल लेंगे। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा टाइट आटा होना चाहिए। इसका लोई बनाएंगे, ना छोटा छोटा लोई होगा। कढ़ाई गरम करेंगे, स्टफिंग ठंडा हो गया है। अब इसको हम स्टफिंग करेंगे, भरेंगे, लोई बनाएंगे। पहले लोई बना लिए, अब इसको भरेंगे। इसको ऐसे करके मोड़ लेंगे। सारा स्टफिंग भर लिए हैं इसी तरह से। अब इसको हम बेलेंगे और कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए। इसको हल्का हाथ से इसको बेल लेंगे। आप अपना हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं। देखिए ये तेल एकदम मीडियम गरम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। इसमें इतना ही गरम होना चाहिए जो कि धीरे 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 सीके, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए तेल। विसील करके सभी को सेक लेंगे। चार ठो कचौड़ी डाल दिए हैं इसमें मीडियम आंच पे। धीरे 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 ये लाल होने तक इसको तलेंगे। देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह दोनों तरफ सेक लेंगे, तल लेंगे इसी को लाल लाल करके। दोनों तरफ गोल्डन हो गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। और इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। आइए अब इसको सर्व करते हैं। इसको हरी और लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।